एक मिनट एक खबर में आगे बढ़ते हैं। आपके पसंदीदा चैनल जी न्यूज को एक बार फिर से डराने की कोशिश की गई, हालांकि जी न्यूज झुका नहीं और आतंकियों की धमकी खोखली साबित हुई। जी न्यूज की निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता से परेशान पाकिस्तान के आतंकियों ने नई धमकी दी है। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी को ये धमकी एक इंटरनेट नंबर से पाकिस्तान की अज्ञात जगह से दी गई। रात 12 बजे के बाद जी न्यूज वाइड सैटेलाइट से आउट होगा। आतंकी ने रात 12 बजे तक जी न्यूज की हर वेबसाइट उड़ाने, साथ ही साथ जी न्यूज के एंकर्स को अंजाम भुगतने, रात 12 बजे सैटेलाइट से जी न्यूज ब्लैकआउट कर देने की धमकी दी थी। हालांकि जी न्यूज ना तो इस तरह की धमकियों के आगे कभी झुका है और ना झुकेगा। जी न्यूज की निर्भीक पत्रकारिता इन धमकियों के बाद भी जारी रही और रात 12 बजते ही ये भी साफ हो गया कि ये खोखली धमकी भर है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जी न्यूज ऐसी धमकियों से न डरा है न आगे डरेगा। मेरा जितना सुधीर चौधरी के साथ परिचय है वो कभी धमकी से डरे नहीं। इससे पहले जी न्यूज की राष्ट्रवादी खबरों से तिलमिलाए आतंकी हाफिज सईद ने भी धमकी दी थी। एलएसी पर चीन भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है तो पीओके में पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश करने से भी बाज नहीं आ रहा। जी न्यूज को खुफिया सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एलओसी के उस पार पीओके में सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलों की तैनाती कर रहा है और इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा है चीन। सूत्रों के मुताबिक सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती के लिए चीन निर्माण का काम करवाने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक साइट पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की भी मौजूदगी दिख रही है। इस साइट पर 120 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ही 25 से 40 आम मजदूर भी दिख रहे हैं। इन मिसाइलों को कंट्रोल करने के लिए पीओके के अंदर बाग इलाके में पाकिस्तान हेडक्वार्टर बना रहा है, जहां करीब 10 चीनी सैनिक मौजूद हैं, जिसमें से 3 अधिकारी रैंक के हैं। बताया जा रहा है कि बाग के अलावा चिनार और चकोठी में भी पाकिस्तान इसी तरह का निर्माण कार्य करने में जुटा है। वही चीन के खिलाफ क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तैयारी पुख्ता होने लगी है। टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक में क्या रणनीति बनी, अब ये जानिए। भारत चीन सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में चीन का नाम लिए बगैर एस जयशंकर ने कहा कि भारत नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्वक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। We remain committed to upholding the rules-based international order underpinned by the rule of law, transparency, freedom of navigation in international seas. And respect for territorial integrity and sovereignty and peaceful resolution of disputes. वहीं दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बैठक में चीन को घेरा। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन को एशिया के लिए खतरा बताया। That we collaborate to protect our people and partners from the CCP's exploitation, corruption and coercion. हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार की चीन नीति से खासे खफा है। राहुल ने किस तरह से मोदी सरकार पर वार किया, जानिए एक मिनट में। इतिहास में पहली बार चाइना ने 1200 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली। उनके सैनिक हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री देश को कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं। पिछले 5 महीने से एलएसी पर चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच राहुल गांधी ट्विटर पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इस बार हरियाणा की धरती से उन्होंने सीधा संवाद किया। राहुल यही नहीं रुके, दावा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो चीन को 15 मिनट में बाहर कर देते। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। पर सवाल यह है कि फिर राहुल गांधी और यूपीए की सरकार चीन से अक्षाई चीन का अवैध कब्जा क्यों नहीं छुड़वाया। वैसे राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर पंजाब से लेकर हरियाणा तक मोर्चा खोले हुए हैं और इस दौरान एक बार फिर से वो मंदिर दर्शन करते दिखे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अपने लाव लश्कर के साथ राहुल कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पर पहुंचे। यहां गीता ज्ञान का साक्षी माने जाने वाले अक्षय वट वृक्ष के दर्शन किए। फिर मंत्रोच्चार के बीच राहुल ने पूजा अर्चना भी की। इससे पहले राहुल गांधी अपने खेती बचाओ अभियान के दौरान ट्रैक्टर चलाते भी दिखे, लेकिन ट्रैक्टर की सीट पर गद्दा लगाकर बैठे राहुल की तस्वीर सामने आई तो बीजेपी ने वीआईपी किसान कहकर तंज कसने में देर नहीं लगाई। कभी ट्रैक्टर पर आपने सोफा देखा है? कभी भी नहीं ना। ये तभी संभव हुआ है जब राहुल गांधी स्वयं उस पर विराजमान हुए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि कृषि क्षेत्र को वो कितना समझते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक बार फिर से बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। बस 60 सेकंड में जानिए पूरी खबर। कल देर शाम आतंकवादियों ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष गुलाम कादिर राठौर पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि यह हमला गांदरबल के नूनार इलाके में किया गया है। बीजेपी नेता के अंगरक्षकों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी की मौत हो गई है, जिसके बाद आतंकवादी वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि इस दौरान एक सुरक्षा कर्मी भी गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मिलिटेंट यहीं मौके पर मारा गया, सिर्फ वेपन भी रिकवरी हुई, बट एक जवान जो क्रिटिकली जख्मी हो गया, ही वाज शिफ्टेड टू हॉस्पिटल और अनफॉर्चूनेटली ही हैज अचीव्ड मार्टिरडम। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और मौके से फरार हुए आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार बीजेपी नेताओं और पंचायत से जुड़े नेताओं पर हमला कर रहे हैं ताकि दहशत फैलाकर घाटी में लोकतंत्र की नींव कमजोर की जा सके। कुछ दिनों पहले ही आतंकियों ने बड़गाम में बीडीसी चेयरमैन भूपिंदर सिंह और श्रीनगर में एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या कर दी थी। हाथरस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें एक बड़ी साजिश का दावा किया जा रहा है। योगी सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि हाथरस के बहाने जाति और समुदाय के नाम पर हिंसा करने की साजिश थी। सफदरजंग अस्पताल से ही हंगामा शुरू किया गया। भीम आर्मी इस मामले को लगातार जातिगत रंग दे रही थी। बाबरी केस की वजह से पहले ही यूपी में हाई अलर्ट था। सुबह गांव में भारी संख्या में लोगों के जुटने का इनपुट था। हालात नहीं बिगड़े, इसीलिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। हाथरस मामले में देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चारों का संबंध कुछ कट्टरपंथी संगठनों से बताया जा रहा है। अभी भी इसकी जांच करेगा। दावा है कि विदेशी फंडिंग के मास्टरमाइंड अतीक उर रहमान और सिद्दीकी ने दंगा भड़काने की साजिश रची थी। और अब आपको मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। करीब 6 बदमाश ढाबे पर पहुंचे, खाना ऑर्डर किया, शराब पी और जब ढाबे वाले ने पैसे मांगे तो शुरू कर दी गुंडागर्दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली की हैं, जहां ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने ढाबा मालिक की बुरी तरह से पिटाई की, पिस्टल निकालकर गोली भी चलाई। वारदात सीसीटीवी में दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिन्हें खाना करवाया पार्सल, जिन्हें हमको गोली मारी, हमको खींच के ले गया, गोली भी चलाई हमने ऊपर, तब लगी हाथ में गोली। खाना पार्सल करवा लिया, पैसे ही से नहीं दे रहे थे, उसके से भूख लड़ने के माध्यम से आज कुल मिला के उनको लड़ना था। हालांकि पुलिस गोली चलने की वारदात से इनकार कर रही है। मेरे पास जो फुटेज आए उसमें कहीं गोली चलती हुई नहीं दिख रही है। पर सवाल ये है कि जब मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है तो पुलिस ने अब तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 60 सेकंड में जानिए पूरी खबर। बंटवारे के फॉर्मूले के मुताबिक बिहार में जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें देगी, जबकि बीजेपी अपनी सीटों में से ही विकासशील इंसान पार्टी को टिकट देगी। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजेपी के एनडीए गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की बात कही।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि हम फिर जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि एलजेपी ने नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है, इसीलिए एलजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग को लिखित में दिया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की फोटो का इस्तेमाल न करे। आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो चार दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आपको वायुसेना दिवस के रिहर्सल की तैयारी दिखाते हैं। रफाल का तूफान, जगुआर और तेजस का शक्ति प्रदर्शन। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस से पहले ये फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें हैं, जिसमें रफाल, जगुआर और तेजस लड़ाकू विमानों के अलावा अपाचे, रुद्र और शिनूक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने अपना दम दिखाया। इस बार वायुसेना दिवस पर रफाल जेट्स पहली बार फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसमें रफाल, सुखोई और तेजस एक साथ उड़ान भरते दिखेंगे। खास बात यह है कि इस बार सभी फाइटर जेट्स 5-5 की फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। वर्ष 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस साल वायुसेना 28वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी ये फ्लाई पास्ट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मनाया जाएगा। इस बार एयरफोर्स डे फ्लाई पास्ट में कुल 56 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। कोरोना संकट की वजह से इस बार कार्यक्रम में कुछ बदलाव होंगे। LAC पर चीन की साजिशों के बीच वायुसेना का ये शक्ति प्रदर्शन दुश्मन के होश उड़ाने वाला है। और अब 60 सेकंड में सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज का अपडेट जान लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। मामले की सुनवाई 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया के अलावा उसके भाई शोविक, अब्दुल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। इससे पहले स्पेशल NDPS कोर्ट ने रिया और शोविक की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। वहीं सुशांत केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस को बदनाम किया गया। न्याय के बहाने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाए गए। झूठ फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ जांच चल रही है। फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मुंबई पुलिस को ट्रोल करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, इस इन्वेस्टिगेट को डिस्क्रेडिट करने के लिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये अकाउंट देश विदेश से चलाए गए हैं। मीडिया के एक वर्ग ने झूठा अभियान चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि मुंबई पुलिस की जांच में कमी नहीं थी।